गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग केजी क्लास। ओके, हमने लास्ट हिंदी की क्लासेस में स्वर पढ़े। ओके, स्वर पढ़े हम सब ने। मैंने आपको बताया था कि हिंदी में, हिंदी जब हम बोलना पढ़ना या हम एक दूसरे से बात करना सीखते हैं तो उसमें एक एक हमारी वर्णमाला होती है जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। इनका ज्ञान लेना, इनको समझना, इनको पहचानना हमें पहले से आना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक हम इन स्वर और व्यंजनों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम हिंदी में किताब पढ़ना या बोलना या लिखना नहीं सीख सकते। और ये स्वर और व्यंजन मिलकर ही हमारी वर्णमाला बनाते हैं, और इन्हीं अक्षरों के ज्ञान से हम नए नए शब्द बनाना सीखते हैं। तो हमने अपनी पिछली ही कक्षा में स्वर पढ़े। ए आ, ए आ, इ, 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 उ, उ। यहां तक हमने अपनी पिछली ही कक्षा में पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे रि से ऋषि से शुरू करेंगे। रि, रि से ऋषि। ए, एडी। ए, एनक। ओ, ओ में आ बनाकर उसके ऊपर एक मात्रा लगती है। ओ, उसे हम कहते हैं ऋण। उसे हम क्या कहते हैं? ऋण। नेक्स्ट है ए। ए से एड़ी। ए से एड़ी। ए से एड़ी। ए से एड़ी। ये बनाना भी बहुत इजी है। ए से एक्सरे। एक्सरे, जब आपको कहीं भी पेन होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे सपोज आपको आपके पाम में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी फिंगर्स वर्क नहीं हो रही है, या आपको जो भी हाथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आप जाएंगे और इसका एक्सरे कराएंगे, तो एक्सरे होता है इस तरह का, तो
तो इसमें पता चल जाता है कि आपके कोई हड्डी में प्रॉब्लम है या आपके कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जब ऐसी पिक्चर्स आपको निकल कर आती है उसे कहते हैं हम एक्सरे। एक तारा ऐसा एक म्यूजिक का एक यंत्र आता है जिसे हम बजाते हैं, जिसे कहते हैं एक तारा, या एक भी तो बन सकता है। देखिए ये जो ए है इसे हम क इसके आगे लगा दिया जाए तो बन जाता है एक। एक हिंदी हमें यही तो सिखाती है, स्वर और व्यंजन हमें यही तो सिखाते हैं कि हम इन स्वरों की सहायता से या इन व्यंजनों की सहायता से बहुत सारे नए नए शब्द बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है योर ए, एनक। ए एनक, ओके। एरावत, ये देखिए जो हाथी होता है ये जब इस पर पहले बहुत पुराने टाइम में राजा महाराजा जाते थे, इसके ऊपर बैठकर और ऐसे छतरी लगी होती थी, से कहते थे एरावत। क्या कहते थे? एरावत। ऐसे ही ए से बहुत सारे नए नए शब्द बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ओ। ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओट, ओ से ओस। अभी आप देख रहे हैं कितनी सर्दी हो रही है, सर्दी में जब आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आप देखते हैं पेड़ों पर ऐसे पत्तियों पर छोटी छोटी बूंदे बारिश की रहती है ना, छोटी छोटी बूंदे, और या कभी कभी वो बूंदे बर्फ में भी बदल जाती है, इसे हम कहते हैं ओस। क्या कहते हैं? ओस। आजकल तो बहुत ठंडा मौसम है, सब बच्चे देखते हैं ना पेड़ों पर सुबह सुबह क्या रहती है, ओस। तो ये ओस जो शब्द है वो बना है ओ से, इससे बना है ओ से। अब हम आते हैं नेक्स्ट, औ। देखिए ये जो है औषधि, औषधि, औजार, औरत, ओके। तो ऐसे ही देखिए अलग 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 जो हमारे स्वर हैं उनसे अलग अलग शब्द बन रहे हैं, ओके। अब हम आते हैं री से ऋषि, ए एना, ओ औ अंग, अंग, ओके। अंडा, अंडा, देखिए ये जो आ इस पे ऊपर एक बिंदी लगती है, ओके। अंडा, अंगूठी, मैंने ये क्या पहन रखी है, अंगूठी, अंगूठा, अंगूठा, ओके। एंड नेक्स्ट आता है आ, आ, हाँ, आ, हाँ, खाली। बच्चे मिलकर बजाएंगे ताली, ओके। आज हमारे स्वर पूरे होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो छोटे छोटे वर्ण होते हैं वो मिलाकर हमारी वर्णमाला बनाते हैं, और इन्हीं वर्णमाला की सहायता से हम हिंदी बोलना पढ़ना लिखना सीखते हैं। और यही वर्णमाला जो है इसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज हमने सीखे हैं स्वर, स्वर होते हैं 13। दोबारा हम रिपीट करेंगे, अ आ ई ई ऊ री ए ए ओ औ हाँ, ओके। तो ये जो 13 स्वर हैं आज हमने ये सीखे हैं। आपकी जो बुक है हिंदी की जो सब बच्चों ने निकाल रखी है उसमें आप ये दोनों पेज कंप्लीट करेंगे, दिस इज योर वर्क, ओके, कंप्लीट बोथ ऑफ द पेजेस, ओके। अब हम इसी वर्क के साथ हम एक नई चीज़, नया जो ज्ञान है वो भी सीख लेते हैं, क्योंकि ये सब हमको पहले भी पढ़ाया हुआ है और अब हम ये सब रिवाइज कर रहे हैं अपने बुक्स में, तो हम थोड़ा और सीख लेते हैं ताकि हमको हमारी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, ओके। चलिए आज हम थोड़े व्यंजन की भी बात कर लेते हैं। जहाँ हमने स्वर पढ़े वहीं एक वर्णमाला का एक दूसरा भाग और जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं व्यंजन। इसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। ये जो व्यंजन है आप सब बच्चों ने पढ़ा है, क ख ग ग
ओके ये बहुत सारे होते हैं व्यंजन, ओके बहुत सारे व्यंजन होते हैं, ठीक है, जिनको हम धीरे धीरे डे बाय डे सीखेंगे। आज हम इस पहली लाइन की बात करते हैं, क। जब भी बच्चे को सिखाया जाता है या जब भी हमने सीखा है तब हम व्यंजन को सीखते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड़ है खाली। तो आज हम इसी व्यंजन को, क की पूरी लाइन को हम अपने बुक के जरिए भी सीखते हैं। क से कबूतर, क से कलम। कलम किसे कहा जाता है? पेन, जो हम पेन यूज करते हैं उसको कहते हैं कलम। क से कछुआ, कछुआ देखा है आपने? हाँ। ख से, अब हम नेक्स्ट आते हैं ख। ख लिखिए, बहुत बच्चे गलत बनाते हैं, जो ख और इसको हम यहाँ ज्वाइंट करते हैं, ओके। ख से खरगोश, ख से खजूर, खजूर सर्दियों में खाना बहुत अच्छा होता है। ख से खरबूजा, है ना। अब देखिए, जैसे हिंदी में इन स्वरों से मिलकर बहुत सारे शब्द बने, वैसे ही आप देख रहे हैं जो व्यंजन है बच्चों, इन व्यंजनों की हेल्प से भी बहुत सारे शब्द बन रहे हैं और इन्हीं शब्दों से हमारी बुक बनती है और उसी बुक को हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। सब केजी क्लास को समझ में आया कि ये जो स्वर व्यंजन है वो हमारी क्या हेल्प करते हैं? हमको पढ़ना, हमको शब्द बनाना, इन शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। अब हम आते हैं ग। ग से गमला, ग से गाय, जिसे आप इंग्लिश में काऊ कहते हैं, ग से गाजर, ओके। अब हम घ के नए शब्द सीखेंगे, घ से घड़ा, घ से घड़ी, घ से घंटी, जो हम मंदिर में होती है और मंदिर में बजाते हैं। अड़ है, होता है खाली, बच्चों बजाओ ताली। तो आज हमने री से ऋषि से पूरे अम तक स्वर सीखे और व्यंजन में क की पूरी लाइन कंप्लीट की। तो ये 2, 4 and 5 and 6 and 7, ये 4 pages आपका होमवर्क है, ओके। केजी क्लास के सारे बच्चे इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे आप इन स्वर और व्यंजनों का उच्चारण और इन्हें लिखने का तरीका सीखेंगे और यही आपको आगे मदद करेगा हिंदी पढ़ने, हिंदी लिखने और हिंदी बोलने के लिए, ओके। थैंक यू किड्स।